आज हम आपको एक ऐसी हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद सच में आपकी रूह कांप उठेगी। क्या आप कभी किसी भूतिया जगह पर गए हैं? भले ही आप भूतिया जगह पर गए नहीं होंगे, लेकिन आपने भारत के कई भूतिया डरावनी जगह के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ, वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती नहीं है, बावजूद इसके लाखों लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। यहाँ तक कि आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो भूतों को देखने का दावा भी करते हैं कि हाँ मैंने भूत देखा है। पर आज हम आपको देश के एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता है। हम जिस रेलवे स्टेशन की बात करने जा रहे हैं वहाँ 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी थी। कई लोगों ने इस रेलवे स्टेशन पर भूत देखने का भी दावा किया था। ये भी कहा जाता है कि यहाँ एक स्टेशन मास्टर ने सफेद साड़ी में एक महिला भूत को देख लिया था, जिसके बाद उसकी जान चली गई थी। इस रेलवे स्टेशन का खौफ इतना ज्यादा था कि यहाँ जाने से न सिर्फ आम लोग बल्कि प्रशासन भी डरता था। इसी खौफ की वजह से यहाँ 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में ये भूतिया रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन बैगन कोडर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस रेलवे स्टेशन का नाम देश के 10 भूतिया स्टेशन की लिस्ट में शामिल है। भारतीय रेलवे ने इस स्टेशन को साल 1960 में बनाया था। बैगन कोडर रेलवे स्टेशन खुलने के कुछ सालों बाद तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद यहाँ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगी थी। साल 1967 में रेलवे के एक कर्मचारी ने स्टेशन पर महिला भूत देखने का दावा किया था। इसके बाद इसी साल एक स्टेशन मास्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कहा जाता है कि स्टेशन मास्टर ने सफेद साड़ी में एक महिला भूत देख लिया था, इसके बाद उनकी मौत हो गई। उस समय यह भी दावा किया गया था कि उस महिला की मौत उसी स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना में हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेशन मास्टर की मौत के बाद उनका पूरा परिवार भी रेलवे क्वार्टर के अंदर मरा पाया गया था। इसके बाद लोगों ने कहा था कि स्टेशन मास्टर के परिवार के लोगों की मौत के पीछे उसी महिला भूत का हाथ है। लोगों का मानना था कि शाम ढलने के बाद कोई ट्रेन जब वहां से गुजरती थी तो वो महिला भूत ट्रेन के साथ दौड़ने लगती थी। कई लोगों ने महिला भूत को ट्रेन के आगे नाचते देखने का भी दावा किया था। इसके बाद लोग यहां आने जाने से डरने लगे थे और कोई यात्री डर के मारे यहां उतरना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे पूरा स्टेशन सुनसान हो गया था। अब यहां पर रेलवे का कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता। इसके बाद बैगन कोडर रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। करीब 42 साल तक ये रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा रहा और यहाँ पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी। इस स्टेशन से जब कोई ट्रेन गुजरती भी थी तो ड्राइवर इसकी स्पीड बढ़ा देता था। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।